नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने 2019 का घोषणा पत्र जारी किया है। इस बार के घोषणा पत्र में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है, किसानों की स्थिति को लेकर खासा ध्यान दिया गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज मैं चंडीगढ़ में कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक श्री देवेंद्र शर्मा जी के साथ। सर, समय देने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। पहला सवाल अगर पूछा जाए तो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा बीजेपी गवर्नमेंट का, उसमें किसानों की आय दुगनी की बात की गई थी, क्या कुछ हुआ? देखिए, इसको हमें समझना पड़ेगा कि खेती का जो संकट है इस समय और 5 साल पहले भी, उसमें क्राइसिस बढ़ता ही गया है। क्राइसिस इसलिए बढ़ता गया है कि हमने स्पेशली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो कृषि पे नीतियाँ थी वो ये थी कि लोगों को कृषि से निकाला जाए और शहर में लाया जाए। ये जब तक इकोनॉमिक सोच रही है तो ऑब्वियसली उसका एक इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये है कि आप कृषि को अन इकोनॉमिकली, या जिसको कहते हैं कि इकोनॉमिकली अनवायबल कर दीजिए, कि मजबूरन खेती से किसान जबरन या मजबूरन या जबरन वो खेती से बाहर निकले। और यही हुआ है और यही हमारा कई दशकों से ये काम चल रहा है। तो खेती की तरफ कहीं ध्यान गया ही नहीं है किसी सरकार का उस सोच के हिसाब से कि हमने खेती को दोबारा एक मजबूत सिचुएशन में लेकर आना है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी सारी उसी डायरेक्शन में ऑपरेट की हैं कि एग्रीकल्चर वॉज काइंड ऑफ इट वॉज केप्ट इम्पॉवरिस्ड टू कीप द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वायबल। इस बार के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कृषि बजट को अलग से पेश करने की बात की गई है, इस कदम को आप किस तरीके से देखिए? पहले तो अगर हम कृषि का चैप्टर देखें इस मैनिफेस्टो में, मैं बहुत सालों से मैंने मैनिफेस्टो पढ़े हैं, कई मैनिफेस्टो में मैंने कोलैबोरेट भी किया है या हेल्प भी की है पार्टीज़ की, लेकिन बहुत सालों बाद मुझे एक अच्छा जो इम्प्रेशन आया है वो मैनिफेस्टो को पढ़कर, कि पहली बार शायद एक सीरियस अटेम्प्ट हुआ है कृषि को वापस रेल पर लेके आना या वापस पटरी पर लेके आने के लिए, और ये सराहनीय कदम है। और किसी मैनिफेस्टो को हम मैनिफेस्टो के रूप में देखेंगे, अब ये इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन मुझे लगा कि इसका मतलब है कि बहुत इसके पीछे सोच गई है और जो एक डोमिनेंट इकोनॉमिक थिंकिंग है उसको चैलेंज करके ये कृषि की जो बजट या आप जो बाकी उसमें कृषि मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं वो उसमें नज़र आता है। आपका सवाल कृषि बजट पे है। मुझे याद है जब पहली बार कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब थे येडियुरप्पा साहब, उन्होंने मुझे इनवाइट किया बजट पर बात करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा था कि आप अगर एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं कि कृषि बजट लेकर आते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एक डायरेक्शन जो है खेती की तरफ जो है फोकस करने की हमें मिल पाएगी उससे। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पहली बार एक सेपरेट कृषि बजट दिया था। उसके बाद 2-3 स्टेट्स ने और उसको अडॉप्ट किया सेपरेट कृषि बजट को। पर सबसे सराहनीय बात यह है कि अब एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जब एक सेपरेट कृषि बजट की बात करती है और अगर ये चुनकर आती है और एक सेपरेट बजट हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। क्यों, अब ये जानना जरूरी है। इसलिए कि देश में 50% पॉपुलेशन सीधी और इनडायरेक्टली भी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से जुड़ी हुई है, और 50% पॉपुलेशन को आज तक हमने अनदेखा किया है। और ये बाय एंड लार्ज अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज देखते हैं, और ये जो है पहली बार अगर हम ये देख पा रहे हैं कि वे एक सेपरेट बजट होगा, यानी मतलब सेपरेट फोकस उस पर आएगा। अब इसका क्यों इम्पोर्टेंस है? मैंने एक अध्ययन किया, अध्ययन देखा मैंने, सरकार के जो आंकड़े देखता हूँ तो उसमें पाया जाता है कि भाई 2011 और 2017 के बीच में, यानी दोनों गवर्नमेंट्स थी, 2011 और 17 के बीच में कृषि बजट का जो आउटले है वो मात्र 0.3 से 0.4% ऑफ द जीडीपी है। 50% पॉपुलेशन को अगर हम सिर्फ 0.3 और 0.4% जीडीपी का दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं पहले आपसे कह रहा था कि हम अनदेखी कर रहे हैं खेती की, तो ये बड़ा स्पष्ट था। लेकिन जब हम कृषि बजट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक जो एम्फोसिस है, जो फोकस है, जो डायरेक्शन है, अब वो दोबारा उस पर वापस लौट कर आएगी। इसलिए कृषि बजट सेपरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये राहुल गांधी का, इसको इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था कि इट्स राहुल एरा, तो क्या राहुल गांधी के एरा में कृषि सबसे महत्वपूर्ण है? कोई चारा नहीं है देश के पास।
कोई भी सेंसिबल लीडर होगा या सेंसिबल इकोनॉमिस्ट होगा वो कृषि की अगर अनदेखी करता है तो मेरा ये मानना है कि वो एग्रीकल्चर का रोल जो है ब्रॉडर इकोनॉमी में वो नहीं समझता या वो नहीं जानना चाहता डिलिबरेटली। देखिए, जिस देश में 50% पॉपुलेशन खेती से जुड़ी हो और हम सारा जो ध्यान है वो सिर्फ 1% पॉपुलेशन के ऊपर लगाते हैं, तो ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? तो मुझे लगता है कि चाहे राहुल गांधी जी ने किया है ये तो सराहनीय है ही है, लेकिन सभी को अब ये शायद राहुल गांधी जी के इनिशिएटिव से दोबारा सोचना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर प्लेज ए वेरी प्रिडोमिनेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। उसका दो कारण है, एक तो हमने आज तक जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए हमने एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक एक्टिविटी माना ही नहीं है। हमारे तरफ से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री, रियल इस्टेट, बिल्डिंग, फ्लाईओवर्स, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमने कभी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बात ही नहीं की है। 50% लोगों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप कौन सा देश जो बना रहे हैं, कौन सा इकोनॉमिक ग्रोथ ये बना रहे हैं, कौन सी ट्रेजेक्ट्री पे आप जा रहे हैं, इस पे सवाल खड़े होने चाहिए थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की जो सोच है ये जो मैं समझ पाया हूँ ये उस धरातल पर जा रही है जिसकी फाउंडेशन पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स खड़े हो सकते हैं। अगर हम इसको धरातल को छोड़ देते हैं या इग्नोर करते हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जितने भी होंगे वो हवा में होंगे। वो जैसे कहते हैं ना कि हाउस ऑफ कार्ड्स है, वो हाउस ऑफ कार्ड्स जब भी मौका मिलेगा वो क्रम्बल करेगा, जब भी बबल बर्स्ट करेगा तो क्रम्बल करेगा। और आज दुनिया में वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हाउस ऑफ कार्ड्स है वो कलेप्स कर रहा है और भारत में भी वो कर रहा है। ये हमें समझना है कि कारण ये है कि हमने जो मेन जो स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर की उसको हमने इग्नोर किया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अपने घोषणा पत्र में कृषि को और महत्व देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठन की बात कही है, इसको आप किस तरह का कदम? ये मेरा मानना है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसलिए सिग्निफिकेंट है कि अगर आपने मुझे कभी सुना है, मैं इतने सालों से कहता आ रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि किसान जो मर रहा है इसलिए मर रहा है क्योंकि हमने उसका जो हक बनता है या जो उसकी इनकम बनती है वो हमने उसको डिप्राइव किया, उसको नहीं दिया आज तक इनकम। ये मैं कितने सालों से बोलता आ रहा हूँ और मैंने ये भी कहा है कि एक कमीशन फॉर फार्मर्स इनकम एंड वेलफेयर का गठन करना चाहिए जिसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि भाई किसान के परिवार को कम से कम 18,000 रुपये प्रति माह मिले, उसकी इनकम जो इतनी हो। और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे 2016 बताता है हमें कि 17 राज्यों में यानी आधे देश में किसान परिवार की औसतन आय जो है वो 20,000 रुपये साल की है, यानी 1700 रुपये से कम में किसान परिवार अपना निर्वाह करता है जीवन का, परिवार का आधे देश में। तो इस हालात में अगर हमने वाकई खेती को खड़ा करना है वापस तो हमें किसान को उसकी इनकम देनी चाहिए। मैं कमीशन की बात करता आया हूँ और ये भी मैंने कहा है उस कमीशन के अंदर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसमें जिस जो MSP हमारी गठित करता है उस कमीशन को उसमें मिला दिया जाए या उसका नाम बदल दिया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो नाम तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो नहीं है कमीशन फॉर फार्मर्स इनकम एंड वेलफेयर, लेकिन जो ये नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लानिंग की बात कही है वही है। और इसमें लिखा गया है कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो MSP तय करता है उसको सब्ज्यूम किया जाएगा, यही तो मैं कह रहा था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि किसी भी पार्टी ने इस बात को माना है, इसकी गरिमा को और इसकी गहराई को जाना है कि मैं क्यों कहता आ रहा था कि वे कमीशन फॉर फार्मर्स इनकम या जो सरकार कह रही है या जो कांग्रेस पार्टी कह रही है अगर सरकार में आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होगा। क्योंकि जब तक हम किसान की आय एक लेवल पर नहीं आते हैं लेके आते हैं तब तक हम किसान की जो खेती का जो डेवलपमेंट है जिसकी हम विकास की बात करते हैं वो नहीं हो सकता जब तक हम किसान को इनकम या उसका वेलफेयर को हम ना ध्यान दें। ये हमें बहुत जानना इस जरूरी कदम है। को आप बहुत सराहनीय बहुत सराहनीय है ये कदम। अच्छा, मनरेगा के विषय में भी चर्चा की गई है मैनिफेस्टो में कि मनरेगा को 100 दिन से 150 दिन किया जाएगा, तो क्या इससे आय और ग्रामीण लोगों के आय और पलायन में भी दो चीजें देखनी है इसमें। देखिए, मनरेगा को 100 से 150 करना मेरा तो ये मानना कि शायद 250 दिन भी कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर 150 दिन किया है गरीबों की मजदूर की जो आय है वो बढ़ेगी, उसको काम मिलेगा, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि ये ना हो कि खेती में
किसानों को मुश्किल हो जाए कि वो आय ना दे पाए उसको। तो इसलिए हमें ये दोनों का मिश्रण करना है, जोड़ना है इसको। इसलिए ये जो नेशनल कमीशन है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि उसकी आय की बात होगी, उसमें लिखा गया है उसमें आय की बात होगी और मिनिमम प्राइसेस के बारे में बात होगी, उसको हमने इस तरीके से उसको गठन करना है या उसको लेके आना है कि उसके अंदर जो मनरेगा का जो जो बर्डन आएगा या लेबर कॉस्ट आएगी वो भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो, ताकि किसान सक्षम हो अपने आप से के मजदूर को देने के लिए जो उसकी उसका हक बनता है या उसकी मजदूरी जो बनती है। ये दोनों चीज़ों का मिश्रण हो सकता है और मेरा मानना है कि ये दोनों चीज़ों को जब तक हम लिंक नहीं करेंगे, ये ना हो कि किसान जैसे आजकल महसूस करते हैं कि सर हमारे को लेबर ही नहीं मिलती है, क्यों वो सारी मनरेगा में चली जाती है। ये इससे निकल कर अभी इसमें कहा गया है कि भाई कुछ वाटर बॉडीज़ में और उसमें आएंगे। मेरा मानना है कि वाटर बॉडीज़ तो एक चीज़ होगी, आपने तालाब खोदने हैं उसमें आपने उपयोग कर लिया, लेकिन एक जगह और मनरेगा का लेबर का रोल है, वो है जब कटाई होती है फसल की और जब बुआई होती है अगली फसल की, वो 3 महीनों में मनरेगा नहीं होना चाहिए उस टाइम पर किसान, ताकि लेबर को खेती में उसका उपयोग कर पाए। क्योंकि आफ्टर ऑल इसका मतलब ये होता है 150 दिन कम से कम आप दे रहे हैं ताकि वो किसान को बाकी दिनों के साथ एडिशनल मिले, ये होता है मतलब इसका। तो वो जो 3 महीने का जो रोल या गैप है जो पीरियड है, उसमें हमें ये अश्योर करना है कि मनरेगा ना लागू हो और उस समय पर सब खेती में जाएं। देखिए दो चीजें होती हैं, उसको वो भी जॉब मिलता है, उसके बाद फिर 150 दिन का और भी जॉब मिलता है। एक बात थी कि बीजेपी इस मैनिफेस्टो को का विरोध कर रही है, क्या वजह है, क्या किसान विरोधी है बीजेपी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जब भी कोई मैनिफेस्टो आएगा तो हमने देखा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से एग्री नहीं करती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है कि इस मैनिफेस्टो से एक बात जो स्पष्ट नजर आ रही है वो ये है कि इट विल नाउ थ्रो अप ए काइंड ऑफ ए चैलेंज। अब बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा आजकल में आने वाला है, मुझे लगता है कि वो हमें शायद एक कंपटीशन जिसको हम कहते हैं वो इससे निकलेगा, उभर के आएगा और शायद हमारा जो फोकस है कोई किसी भी पार्टी का हो या सब पार्टीज का हो वो अब खेती पे जाने लगेगा। ये मेरा ये मानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि एक पार्टी एक अच्छा बजट या मैनिफेस्टो की बात कर रही है और दूसरी पार्टी उससे भी अच्छा लाने की बात करती है, तो इससे बड़ा खेती के लिए क्या आगे रास्ता हो सकता है। इस पे एक सवाल बनता है कि जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई तो मोदी जी ने बहुत सारे वायदे किए थे और बहुत लुभावने वायदे किए थे फार्मर को भी ध्यान में रखे, दो चीज यहाँ बनता है, क्या वजह था कि एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया? क्योंकि खुद मोदी जी अपने आप को एक गरीब परिवार से आए हुए मानते हैं, तो क्या उनके एजेंडे में गरीब नहीं है, किसान नहीं है? इसको हमें समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद सब सरकारों का रवैया खेती के प्रति एक जैसा था, चाहे पिछली गवर्नमेंट थी या ये गवर्नमेंट है या आने वाली गवर्नमेंट होगी उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सब सरकारों ने कृषि की अनदेखी की है। वो इसलिए की है कि चाहे वो लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी हो, लेकिन हमारे सोच जो है इकोनॉमिक सोच वो कॉरपोरेट सोच है, वो कॉरपोरेट की इकोनॉमिक्स की सोच है। हमने आज तक इकोनॉमिक्स को कॉरपोरेट के प्रतिबिंब से ही देखा है और यही एक कारण था, ए पार्टी हो बी पार्टी हो सी पार्टी हो, मेरा मानना है कि उनके एजेंडा पे एग्रीकल्चर था ही नहीं। अब जो है ये मैनिफेस्टो जो आया है कांग्रेस का, मुझे लगता है कि इसने दोबारा एग्रीकल्चर पे फोकस लेके ला दिया है और जो अगली दूसरी पार्टियों के लिए भी आने वाले दिनों में जो उनके मैनिफेस्टो आएंगे उसमें उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा कि वो एग्रीकल्चर पे इस पर फोकस करें, वरना जैसा आपने कहा वो लगेगा कि जैसे उनको खेती की सुध नहीं है या वो फिक्र नहीं करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो में आप कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और शास्त्री जी के समय की हरित क्रांति का से कुछ निकला हुआ आंसर देखिए, ये तो मैंने हर जगह कहा है कि भाई वाइट रेवोल्यूशन का जो श्रेय है वो लाल बहादुर शास्त्री जी को जाता है और हरित क्रांति का जो श्रेय है वो इंदिरा गांधी जी को जाता है, और उसके क्या कारण हैं, क्या हिस्टोरिकल उसका पर्सपेक्टिव है, वो भी हमने बातें की हैं। लेकिन ये तो हो चुका, ये तो इतिहास में चला गया, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ चुकी है जब हमने वाइट रेवोल्यूशन को भी ख़त्म करने की कोशिश की है। जब कुरियन साहब थे, डॉक्टर कुरियन जो उसकी कर्ता धरता थे वाइट रेवोल्यूशन के, वो उनकी जब अंतिम उसमें सालों में मुझे याद है मेरी से जो बात हुआ करती थी वो बहुत निराश थे कि किस तरीके से जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा था, ये इलाके जितने आजकल फैशन चल पड़ा है कि साहब इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, जॉइंट कोलेबोरेशन आएंगे, वो उससे बहुत चिंतित थे। हरित क्रांति का एक कुछ सालों बाद
तकरीबन जब हरित क्रांति के आने के 10-12 साल के बाद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड जनरेशन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, वो आने नज़र हो गए थे। लेकिन हमने क्या किया, हरित क्रांति के प्रॉब्लम्स को हमने और हरित क्रांति ला के एड्रेस करने की कोशिश की, जिसका ये कारण हुआ कि आज अगर किसान मर रहा है या किसान आत्महत्या के दौर में है, वो उसमें जो खेती की पद्धति, जो एक्सटेंसिव, जो हमने इंटेंसिव फार्मिंग का मॉडल लेके आए हैं, वो उसमें भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो उससे निकलना है हमें, और वो जो पुराने पास्ट में जाके नहीं हम रह सकते। हम ये नहीं अपने आप को शाबाशी दे सकते लगातार कि हमने तो हरित क्रांति लेके आए थे, हम वाइट रेवोल्यूशन लेके आए थे। अब हमें एक ऐसी क्रांति चाहिए जिसमें किसान सेंटर में हो, वो सेंटर में हो और उसके आसपास रेवोल्यूशन घूमे। यानी मतलब कहने का, अगर उसका इनकम या उसका दायित्व या सोसाइटी में बढ़ता है तो उसके साथ सारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप करती है, डोमिनो इफेक्ट जिसको कहते हैं उसका होता है। अगर 50% पॉपुलेशन के पास ज़्यादा इनकम हाथ में आएगी, अब देखिए ग्रामीण इंडस्ट्री या रोज़गार जो है वो क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो चलता है। इससे बड़ा ग्रोथ का रास्ता कोई नहीं है। ये देश ने आज तक इग्नोर किया, क्यों? क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिस्ट ने पढ़ा टेक्स्ट बुक्स में इकोनॉमिक्स 301, इकोनॉमिक्स 201 में, उससे बाहर उनकी सोचने की एबिलिटी नहीं थी। और ये राहुल गांधी जी ने दिखा दिया कि अब इकोनॉमिक्स को उसके बाहर जाना पड़ेगा, वो टेक्स्ट बुक से बाहर जाके अब देखेंगे कि कहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आपके मासेस इंपॉर्टेंट हैं, ना कि बिल्डिंग। और ये इसका रोल है, लेकिन यही नहीं कि आपका सारा फोकस जो है वो सड़कें ही बनाते जाएं और गरीब आदमी या पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन मरती रहे या उसमें गरीबी में रहे, ये भी एक रास्ता नहीं था। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूँ डेवलपमेंट को, क्योंकि एक नया तरीके से इकोनॉमिक्स देखने का रास्ता खोला गया है। राहुल गांधी जी ने चुनाव शुरुआत से पहले उन्होंने कहा था कि वो हर वर्ग से पूछ के मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, क्या इस मैनिफेस्टो में वो चीज़ झलक रहा आपको? मैंने आपसे कहा पहले कि भाई ये पहली बार मैंने ऐसा मैनिफेस्टो देखा है जो लोगों की बात करता है। इट्स ए पीपल ओरिएंटेड मैनिफेस्टो, चाहे वो फॉरेस्ट राइट्स की बात हो, चाहे मनरेगा की हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे और तो और जो ट्राइबल्स की बात भी की गई है कि हम वहाँ पर, उन्होंने कहा है कि हम वो जो उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो लागू करेंगे, और ये भी कहा है कि हम उनको जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो पूरा इंप्लीमेंट करेंगे ताकि इनको ना खदेड़ा जाए अपने जंगलों से। तो मुझे लगता है कि ये पूरा पीपल सेंट्रिक ये मैनिफेस्टो है, और किसी भी देश को अगर इकोनॉमिक्स की बात करनी है, अपने इकोनॉमी की बात करनी है, तो वो अगर वो इकोनॉमी पीपल सेंट्रिक नहीं है तो मान लीजिए कि वो हाउस ऑफ कार्ड्स है, किस दिन भी क्रम्बल कर सकता है। मैनिफेस्टो में एक बात का जिक्र है कि कर्ज वापस न करने की स्थिति में बैंक द्वारा किसानों पर क्रिमिनल केस किया जाता था, जो अब नहीं किया जाएगा। क्या यह एक प्रकार से किसानों को मानसिक राहत देगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एक तरह की राहत भी आई जब ये बात मैनिफेस्टो में देखी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने खुद लिखा था कि पंजाब के किसानों के गले में एक फंदा पड़ा हुआ है और वो है ब्लैंक चेक का। ये हमें जानना है, पंजाब का किसान जब लोन लेता है तो उससे बैंक जो हैं वो 4-5-6 ब्लैंक चेक पे साइन करा देते हैं, और जब किसान की सिचुएशन नहीं होती है किसी इंस्टॉलमेंट को रीपे करने के लिए, तब वो बैंक वो ब्लैंक चेक को दाखिल कर देता है। उसका मतलब ये हुआ कि जो सिविल केस होना चाहिए था वो क्रिमिनल केस बन जाता है। पंजाब में कई सौ ऐसे किसान हैं जो आज जेल में हैं क्योंकि उनका ब्लैंक चेक जो है वो बैंकों ने उसका उपयोग किया उस समय, और ये बिल्कुल एक अपने आप में मेरा मानना है गलत स्टेप है, क्योंकि ये सिविल केस को क्रिमिनल केस बनाना ये बैंकों का काम नहीं है। लेकिन उन्होंने डिलीबरेटली किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहीं उनको हिदायत नहीं दी इस करने के लिए, लेकिन ये मनमौजी से ये काम हो रहा था। और हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद भी अभी हाल में हुआ है कि आपको सारे चेक वापस करने पड़ेंगे, अभी भी बैंकों ने ये चेक वापस नहीं किया, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक ही बैंक पंजाब में देखा गया है उसने 12,000 किसानों को नोटिस जारी किया, लीगल नोटिस कि आपको जेल होगी। तो ये जो प्रोसेस चल रहा था जहां पर कि किसान अपनी जमीन भी गिरवी पर रखता है और उसके बाद आपको एक ब्लैंक चेक भी लिया जाता है, तो डबल पनिशमेंट किसान को भुगतनी पड़ रही थी, और ये कोई सेंसिटिव जो पॉलिटिकल सोच होगी उसी के करके ये हुआ है कि उन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट किया इसके ऊपर कि इससे किसान को मुक्त किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बहुत से किसान जो हैं आत्महत्या के दौर में इसलिए चल जाते हैं क्योंकि जब वो
पाते हैं कि भाई उनको क्रिमिनल केस हुआ और उससे पहले उनकी कुर्की होती है, कभी बैंक आता है, कभी ट्रैक्टर ले गया, कभी बैंक आता है, कभी उनके इक्विपमेंट्स को ले गया, तो जब ये होता है तो उसकी सोसाइटी में इंसल्ट होती है, ह्यूमिलेशन होती है, इसलिए किसान भी अधिकतर किसान जो है इसलिए आत्महत्या करते हैं। इसलिए आप ना भूलें कि 2016 का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था, 15 या 16 की बात में कर रहा हूँ, उसमें ये कहा गया था कि 80% सुसाइड जो हैं वो आड़ती करके नहीं है, वो बैंक्स करके है। तो बैंक्स का रोल शायद हम समझ नहीं पाए थे, लेकिन पंजाब के परिप्रेक्ष्य में अब यह समझ आ गया है कि बैंक्स किस तरीके से गलत जो स्टेप ले रहे थे किसानों को जबरन जेल में डालने के लिए। और ये अगर कांग्रेस पार्टी इसको रियलाइज करती है, तो रियलाइज किया है, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, किसान इससे राहत महसूस कर। अपने किसान आत्महत्या की बात की, तो अभी पिछले 2-3 कुछ सालों से सरकार ने कोई भी डाटा रिलीज नहीं किया है, इसके पीछे की मंशा पे कुछ बात? बड़ा स्पष्ट है, देखिए तकरीबन हर साल 11-12 हज़ार के किसान के आसपास किसान आत्महत्या करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत दुखद है इस देश में। लेकिन 2015-16 के बाद सरकार ने डाटा नहीं रिलीज़ किया, क्योंकि वो उस एम्बैरेसमेंट से जूझ रहे हैं, जबकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम डबलिंग द फार्मर्स इनकम कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों की आत्महत्या नहीं रुक रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये इससे बचने के लिए, उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए सरकार ने बात ही करनी बंद कर दी, मतलब देखने से बजाय आँख पे पट्टी बांध। सर, कांग्रेस मैनिफेस्टो में न्याय योजना की बात की गई है, जिसके द्वारा 20% गरीबी से लोगों को बाहर लाने की बात की गई है, आप इसको किसानों के संदर्भ में कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम इसको और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेरा यह मानना रहा है कि हमें प्राइस पॉलिसी से इनकम पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा। आज दुनिया का सारा ऐसा माहौल बन गया है इकोनॉमिक ढांचे में कि प्राइस पॉलिसी को WTO में चैलेंज किया जाता है, प्राइस पॉलिसी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इनकम पॉलिसी जो है वो WTO कंपैटिबल है। तो मैं कब से कहता है हूँ कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जो है वो हमारा डायरेक्ट एक रास्ता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्योंकि जो मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जिसको हमने इग्नोर किया है, तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो पाएगा अगर हम डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देंगे। अब देखिए, जो तेलंगाना में शुरू हुआ, उसके बाद जो उड़ीसा में हुआ रैत बंधु स्कीम तेलंगाना की, फिर उड़ीसा की कालिया स्कीम, फिर झारखंड में, कर्नाटक में, और फिर अभी हाल में आंध्र प्रदेश में हुआ, उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद PM किसान की स्कीम जो लेकर आए, वो भी डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है, और उसके बाद राहुल जी ने एक कदम उसके भी आगे लिया है कि वो जो न्याय की बात कर रहे हैं, न्यूनतम आय योजना, जिसके तहत लोअर जो 20% है उसको 6,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। मुझे लगता है कि ये टेक्टोनिक शिफ्ट है, इकोनॉमिक सोच में, और आज नहीं तो कल दुनिया को इसके ऊपर आना ही था। आप ये मत देखिए कि शायद ये पहली बार हो रहा है, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, या रिच जो कंट्रीज़ हैं, OECD कंट्रीज़ को हम कहते हैं, उसमें एग्रीकल्चर के जो लोग संपन्न हैं वो इसलिए संपन्न हैं क्योंकि उनको मैसिव सब्सिडीज जिसके अंदर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलता था। अभी जाके हाल में अमेरिका ने डायरेक्ट इनकम सपोर्ट को बंद किया है, इतने सालों से वो देते आ रहे थे एग्रीकल्चर में, हमने किसानों को भगवान के हवाले छोड़ा हुआ था। और अब हमारा जो है एक फोकस जो होगा कि जो किसान में भी 2-3 तरीके के आप जानते हैं, एक तो लैंड ओनर्स हैं, एक जमीन जिनके पास नहीं है वो किसान है, फिर शेयर क्रॉपर्स हैं, ये सब है, तो सबको बेनिफिट मिलने के लिए ये जो 20% पॉपुलेशन को टारगेट किया गया है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि रैत बंधु स्कीम में जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है उसको तो मिल जाएगा, या ज़्यादा ज़मीन है उसको मिलेगा, लेकिन जो ज़मीन के बगैर किसान है उसको नहीं मिलेगा। तो ये सबको एक बराबर थाली में लाने की जो बात की गई है, मुझे लगता है कि ये, जैसे मैंने पहले कहा, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है इकोनॉमिक सोच में, और मुझे लगता है कि देश की प्रगति में भी। कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक और बात का जिक्र किया गया है कि कर्ज माफी कोई समस्या का समाधान नहीं है, कर्ज मुक्ति की बात की जाएगी, किसानों को और सबल बनाया जाएगा, आप इसको अस्थाई समाधान के रूप में देखें? देखिए, आज तक जो हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज चली हैं उसमें क्या हुआ कि हमने किसान को उसको उसकी जो डिजर्व करता है इनकम या दाम जो हम कहते हैं देखने का तरीका है, वो अगर हम वंचित करते हैं तो किसान के पास क्या चाह रहा है, वो कर्जे पे कर्जा। आप देखें, हर बजट में कहा जाता है इस साल हम 10 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं कर्जा किसानों को, इस बार हम 11 लाख करोड़ रुपए का दे रहे हैं। मैंने सवाल किया है कि कर्जा क्यों किसान को कर्जे पे कर्जा देते जा रहे हैं, क्यों नहीं हम कर्जे से मुक्त करते हैं किसानों को? जो ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है
चक्रव्यूह रचा गया था जैसे महाभारत में, उस तरीके से चक्रव्यूह रचा गया है, 7 रिंग्स हैं, किसान को उस रिंग के अंदर धकेला जा रहा है चक्रव्यूह के अंदर, लेकिन किसान को बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं दिखा रहा है, किसान की सिचुएशन भी अभिमन्यु जैसी है। तो ये जो है कर्जा मुक्ति जो है यही एक रास्ता है जिससे हम किसान को उस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये कर्जा मुक्ति कहने से मुक्ति नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि आप सारा एग्रीकल्चर का ढांचा जो है उसको आप बदलेंगे, क्योंकि आज तक तो ढांचा कर्ज बढ़ाने के लिए उसमें बना हुआ है, उस तरीके से अपने आप में डिजाइन है, अब वो आपको उसमें से निकालना है, तो उसके लिए आपको जो कृषि की जो पद्धति है या कृषि की जो डिज़ाइन बना हुआ है, जो खेती का या ब्रॉडर इकोनॉमिक डिज़ाइन के अंदर जो खेती का रोल है, अब उसको दोबारा देखने की जरूरत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है उसके अंदर मैनिफेस्टो में, शायद मैं नहीं जानता कि जिन्होंने लिखा है या जिन्होंने बनाया है वो समझते भी हैं इस बात का मतलब कि कृषि मुक्ति का, ऋण मुक्ति का क्या मतलब है कृषकों के लिए। अब आते हैं फसल बीमा पे। मैनिफेस्टो में जिक्र है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर बीमा करने की बात कही है, यानी बीमा कंपनी की मनमानी जो चलती थी अब तक वो अब नहीं चलेगी, इसको आप किस तरीके से? मैंने हर बार कहा है कि भाई बीमा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो एक्चुअली किसानों के लिए बीमा योजना नहीं है, वो तो कंपनी का जो कंपनियां हैं 12-13 कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी इनकम की वो है बीमा है, उनकी इनकम सिक्योरिटी है, वो पक्की उसमें बंधी हुई है कि किसानों को मिले ना मिले लेकिन कंपनियों को इतना फायदा होगा ही होगा। वो देखा हमने पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुई है किसानों की, 10 रुपए 2 रुपए 3 रुपए पे अगर बीमा मतलब उसको कंपनसेशन मिलता है वापस, इसका मतलब साफ है कि वो सिस्टम रॉटन है। और उसको बहुत बार मैंने कहा है कि सरकार को चाहिए था कि ये मान लें कि भाई ये हमारा सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करके फिर पहला कदम लें उसको कैसे ठीक किया जाए। अब देखिए 5 कंपनियां सरकारी हैं जो बीमा उसमें इन्वॉल्व हैं, क्यों नहीं हम इन 5 कंपनियों को नो प्रॉफिट नो लॉस पे एक सिस्टम गठित कर दें, अगर प्रॉफिट जाए भी तो उन कंपनियों को जाए जो कि वापस द्वारा उसमें प्लॉय इन करेंगे किसानों के लिए, वो क्यों नहीं हम करते? ये हमने कंपनियों को प्रॉफिट देने का क्या ठेका दे रखा था और किसानों के नाम पर, ये तो तोड़ने की बहुत जरूरत थी। भूमि अधिग्रहण 2013, वन अधिग्रहण 2006 को और ज्यादा मजबूत कर बनाने की बात कही गई, क्या इससे किसानों को भूमि सुरक्षा में मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आज तक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल यही कहता है कि भाई किसानों से उनको जमीन से उनको बेदखल किया जाए और शहर में लाया जाए। देखिए हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे पिछले, वो कहा करते थे सबसे बड़ा रिफॉर्म तब होगा जब हम लोगों को किसानों को खेती से निकाल कर शहर में लाएंगे, क्योंकि शहर में चीपर लेबर की जरूरत है, यानी दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में दिहाड़ी मजदूर पैदा करने जो है अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो मुझे लगता है कि सारे इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल पर सवाल खड़ा होना चाहिए था। और वो उसमें एक कारण ये भी है कि हम लैंड रेंटल्स, लैंड एक्विजिशन अधिकरण जिस कैसे कर रहे हैं, जिस लॉज को तोड़ने की बात भी हुई है, जिस लॉज को मॉडिफाई करने की बात भी हुई है स्टेट्स के लेवल पर, बिल्कुल गलत था। और हम क्यों नहीं उल्टा करते, हम क्यों नहीं ऐसा करते कि हम गरीब आदमी को उसके जो जमीन का हक बनता है या जिनको पास जमीन नहीं है उनको जमीन एडिशनल दें, जो लैंड बैंक हम बना रहे हैं क्यों कॉर्पोरेट्स को दिए जाते हैं, क्यों नहीं वो लैंड बैंक से जमीन जो है जो गरीब जो लोग हैं उनको दी जाए, ताकि वो चाहे आधे एकड़ में चाहे छोटी जमीन के 30 सेंट्स में 20 सेंट में किचन गार्डन ही बनाए वो अपना, लेकिन अपनी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो पूरी एड्रेस करें उस बात को। तो ये हमारा जो मॉडल होना चाहिए उसकी बजाय हमने मॉडल किया था कि जमीन जो है वो एक जो 1% पॉपुलेशन है उसके हाथ में चली जाए, क्योंकि जमीन एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का एक रास्ता है, और क्योंकि वो दुनिया में हेज फंडिंग उसमें जा रही है तो हमने भी उस रास्ते को इख्तियार किया। मुझे लगता है कि जिस देश में 60 करोड़ लोग किसान हैं जिसमें से आधे से ज़्यादा लैंडलेस फार्मर्स हैं, हम अगर उनको लैंड देते हैं तो वो जो है जमीन देते हैं उनको, तो वो जो है वो भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी स्टार्टअप बन सकते हैं, आप उनको दीजिए तो सही। आप क्यों विश्वास नहीं है कि ये लोग जो हैं अपने आप में संपन्न हैं, इनमें भी एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटी है, ये भी अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। और जिस दिन खेती के अंदर लोग खड़े हो गए तो आपका जो फोकस है या जो आपके ऊपर प्रेशर है शहरों में जॉब्स क्रिएट करने का, जो कि नहीं हो रहे, हम जानते हैं 2000-2005 से जॉब क्रिएशन नहीं हुई है, जॉब लॉस था, अब जॉब लॉस ग्रोथ हो रही, जॉब लेस ग्रोथ हो रही थी, अब जॉब लॉस पे चले गए हैं। जब ये सिचुएशन है तो उसमें हम खेती को तबाह करके सोचें कि वो लेबर शहर में आएगी, वो रास्ता नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का। चलते चलते
एक अंतिम सवाल, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरीके से किसान का या युवाओं का बात किया गया उसको ध्यान में रख के अंतिम एक बार फिर से आपसे पूछूंगा, इस मैनिफेस्टो को आप किस तरीके से देखते हैं, उसको आप क्या रैंक देंगे? मैंने तो ये बात साफ कही है कि इतने सारे जो मैंने मैनिफेस्टो पढ़े हैं इतने सालों से, कि ये पहली बार है मुझे एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़कर ऐसा लगा कि जैसे ये ड्रीम बजट है। ड्रीम बजट, और ये ड्रीम बजट है अगर ये इम्प्लीमेंट होता है जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है या करने की एक्सप्रेशन है उसके अंदर, तो मेरा मानना है कि देश का जो एक डेवलपमेंट का रास्ता है वो जिसको हम कहते हैं कि ऑल इनकम्पासिंग होगा, वो ही एक डेवलपमेंट का रास्ता है। डिपेंड करेगा कि कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो उसको कितना सीरियसली उसको इम्प्लीमेंट करती है, और अगर ये इम्प्लीमेंट कर पाती है तो मुझे लगता है कि हम आगे एक सुनहरे भविष्य की तरफ देख सकते हैं। अब इससे अच्छे नोट पे एंडिंग हो ही नहीं सकती थी कि एक कृषि वैज्ञानिक कृषि विशेषज्ञ इस मैनिफेस्टो को ड्रीम बजट ड्रीम मैनिफेस्टो कहते हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। जवान और किसान दोनों देश के लिए जरूरत है, एक हमारा पेट भरता है और दूसरा हमारा सुरक्षा करता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद।